हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 8.1 का। तो 8.1 में देखो, गिवन के में क्या है, गिवन सेक थीटा, सेक दे रखा है। थीटा हम रखेंगे ऐसी जगह जहां हमारे परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड हो, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब जितने भी टिग्नोमेट्रिक सेक के अलावा है वो सारे फाइंड करके देने हैं। तो देखो कौन कौन से बचा, साइन, कॉस, टेन, टेन के बाद आता है कॉट, सेक तो दे रखा है, एंड कोसेक। पांच और बचे हैं, पांचों के पांचों टिग्नोमेट्रिक रेशो हमें फाइंड करके देने हैं। सबसे पहली बात, सेक थीटा दे रखा है और सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे और उसी से हमें बहुत कुछ मिलेगा। और राइट एंगल ट्रेंगल हम ये लेंगे, ए बी सी, ये हमने अपने रेंडमली आपको ले लेना है, बट आपको ध्यान रखना है थीटा ऐसी जगह प्लेस करना है जो हमारा परपेंडिकुलर सामने दिखे। तो परपेंडिकुलर यहां है तो थीटा हम यहां प्लेस कर देंगे, बस यही। तो हमें गिवन में क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा हमारा क्या है, 13/12। इसी से बहुत कुछ काम होने वाला है आगे चल के, इसी से सारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होएगा, ध्यान से देखना। तो क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, सेक थीटा होता क्या है, देखो सेक ए हो, थीटा तो हमने फिक्स कर दिया ना, ये रहा थीटा। तो सेक, सेक कहां था, यहां 1 2 3 4 5, साइन कोस टेन कोट एंड सेक। तो सेक आता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी रखेंगे। अब देखो थीटा के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ए बी हो गया, ए बी, और बेस थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये माना जाएगा ताकि परपेंडिकुलर ये है एसी, तो बेस हो गया हमारा बी सी। और सेक थीटा हमें दे रखा है, मेन बात है सेक थीटा हमारे गिवन में है, कितना है 13/12। तो इससे हमारे पास दो साइड आ गई राइट एंगल ट्रेंगल की, देखो ध्यान से देखना, ए बी बराबर आ गया हमारा 13 एंड बी सी आ गया हमारा 12, इस टाइप से। अब देखो दो साइड आ गई हमारे पास, ए बी कहाँ है हमारे पास, ए बी 13 और बी सी 12, तो हमें एक साइड निकालनी है ऐसी। तो बस दो साइड हमारे पास आ चुकी है, तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज, पाइथागोरस थ्योरम यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी का स्क्वायर, जैसे कि दिख रहा है आपको ए सी का स्क्वायर, और यही हमें निकालना है तीसरी साइड, और बी सी का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 169 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ए सी तो ए सी रहेगा, ए सी स्क्वायर प्लस 144। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, एसी स्क्वायर, तो ये उठ के इधर आएगा 169 में से 144, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 25। तो एसी बराबर हो जाएगा हमारे पास √25, और जब स्क्वायर रूट हमारा 25 होएगा तो एसी बराबर 5, तो तीसरी साइड भी हमारे पास आ चुकी है 5। ये लो हमने निकाल दिए, साइड हमारे पास सारी आ चुकी है राइट एंगल ट्रायंगल की। अब हमें जो दे रखा है वही हमें फाइंड करेंगे। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन से साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा, साइन होता क्या है, बी अपॉन एच, देखो स्टार्टिंग में बी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच हो गया, और पी थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, ए सी, ए सी अपॉन, और एच हमारा ए बी, तो बस इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी क्या है हमारा, देखो ए सी किधर है 5, ए सी हमारा 5 है, और ए बी, ए बी ध्यान से देखना, ए बी 13। तो ये हमारी पहली साइन थीटा की रेशो आ चुका है। अब सेकंड वाला पाइप निकालने, कोस थीटा, कोस थीटा हमारा सेकंड नंबर पे आता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच हो जाएगा, बी अपॉन एच, तो बी बेस क्या हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग, बी सी, बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है बी सी, और हाइपोटेनस हमारा ए बी, तो बी सी की वैल्यू हमारी 12 और ए बी 13। ये लो अब हमारा साइन कोस टेन, टेन निकालना पड़ेगा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन आता है बी अपॉन पी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी जब हम करते हैं परपेंडिकुलर क्या होएगा थीटा के अकॉर्डिंग, ए सी, ए सी, और बेस क्या हो जाएगा बी सी, तो ए सी की वैल्यू क्या है 5, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 12, तो इसका आंसर होने वाला है, देख लेना आप। और कॉट थीटा, अब कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा का रेशो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट बिल्कुल अपोजिट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, तो बी सी अपॉन
एसी तो 12/5। कोट के बाद आता है सेक, सेक हमें ऑलरेडी है, अब आता है कोसेक। कोसेक कोसेक थीटा क्या होता है हमारा साइन का अपोजिट, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी लिखेंगे सबसे पहले, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी, एच क्या है हमारा ए बी और पी क्या है हमारा ए सी। तो हमारा ए बी क्या है 13 और ए सी 5। तो इस टाइप से हमारे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड करके दे दी इनको। मीन्स हमें क्या दे रखा था, सेक थीटा। सेक थीटा से पहले हमने डायग्राम पे आया, डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम लगे, उसकी तीसरी साइड लाए और तीसरी साइड से हमारे पास सारी चीजें थी, तीनों साइड थी राइट एंगल ट्रायंगल में, और उससे हम रेशो निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स में तो मिल ही जाता है बोर्ड में, देखने को इजी भी है और इजीली होगा भी आपसे अगर आप यहां से समझ के निकलोगे तो। बाकी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।